सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है गोपाल और स्वागत है आपका देवभूमि हिमाचल के इन खूबसूरत पहाड़ों में। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी दिन के 12:30 हो रहे हैं और मेरी अभी की तैयारी है मंडी जाने की। मैं अभी मंडी जा रहा हूँ। मैं कल शाम को घर आया था और सुबह वाली बस में तो मैं नहीं गया, अभी दोपहर की बस में जाऊँगा जो कि 1:30 या 2:15 बजे रोपा से जाती है और 12 बजे पद्दर से चलती है। और आज है दोस्तों सैर और आप सभी को सैर की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और पिछले कल शाम को थी सुमंत और इस दौरान हम घरों में भल्ले स्वाली और सिड्डू दूध घी वगैरह बनाते हैं अपना पहाड़ी खान पान। तो इसीलिए मैं कल घर आया था और फिर आगे आने वाले दिन में छुट्टी नहीं है तो इसलिए मैं आज वापस जा रहा हूँ क्योंकि कल टाइम पर पहुँचना है। और आज सैर के दिन दोस्तों हम लोग अपने परिवार और साथ ही अपने रिश्तेदारों को और अपने सगे संबंधियों को अखरोट और जूप देते हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में भी देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो छोटे लोग होते हैं वो अपने से बड़ों को जूप और अखरोट देते हैं और फिर उन छोटे लोगों को अपने से बड़े लोगों से ध्रुव और अखरोट वापस मिलते हैं और साथ में कुछ पैसे और मिठाइयां भी मिलती है, या अगर मिठाइयां और पैसे नहीं मिलते हैं तो उसके बदले में उन्हें जितने खोड़ उन छोटों ने दिए होते हैं उससे ज़्यादा अखरोट बड़े लोग उन्हें वापस देते हैं।
धीरे धीरे ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही है, लेकिन एक ज़माना था उस दौरान पूरे गांव वाले मिलजुल कर इस त्यौहार को बढ़िया धूमधाम से मनाते थे और पूरा दिन नाच गाना लगा रहता था और सभी एक दूसरे के घर एक दूसरों को जोब देने और अखरोट देने जाते थे और इस तरह से शहर के साझे को मनाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है और समय की आधुनिकता आ रही है तो पूरी चीज़ें धीरे धीरे बदल रही है और क्या पता आगे आने वाले समय में ये चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। बाकी तो हम सब ने शहर को बढ़िया धूमधाम से बनाया और एक दूसरे को जूब दी, लेकिन मेरी माँ ने एक दूसरे को जूब नहीं दी और ना ही ली और ना किसी को दी, क्योंकि इसका कारण ये था कि मेरी माँ की जो बुआ है उन्हें मरे हुए 3-4 महीने हुए हैं, इसलिए उन्होंने ना किसी से जूब ली और ना किसी को जूब दी, मतलब कि उन्होंने शहर के त्यौहार को नहीं मनाया। और ऐसा रिवाज है कि जिन लोगों का रिश्तेदार मर जाता है और जब तक उस रिश्तेदार को मरे हुए पूरा 1 साल नहीं होता तो वो लोग किसी भी त्यौहार को 1 साल तक नहीं मना सकते। इसी तरह से सभी को जूब देने के बाद मैं इसके बाद गया देवश्री द्रोणघरी जी के दर्शन करने के लिए और आज देवश्री द्रोणघरी जी का रथ निकलता है और वो अपने मंदिर से चाराधीन नामक जगह पर जाते हैं, वहाँ उनके माता पिता निवास करते हैं, वहाँ उनको वो जूब दे के वापिस अपने मंदिर को आते हैं। तो मैं अभी उनके दर्शन करके आता हूँ। Thank you.